नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम में आज बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। सही तरह से मेडिटेशन करना किसे कहते हैं? क्या श्वासों पर ध्यान देना ही मेडिटेशन है, या ओम की ध्वनि पर ध्यान देना या ओम जपना मेडिटेशन है? सही मेडिटेशन क्या है, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, शंकर सरकार जी, जो कि संतान दल को चलाते हैं और हम सभी को उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों में सुधार आए और हम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। तो चलिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं उनका। बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल, जो मैंने अभी बोला कि मेडिटेशन को सब अलग अलग बताते हैं, आपके अनुसार मेडिटेशन क्या है? धर्म सबके लिए जैसा एक है, ठीक है, आसमान सबके लिए एक है, पानी सबके लिए एक है, सूरज सबके लिए एक है, चंद्रमा सबके लिए एक है, धरती सबके लिए एक है, पानी हवा बता सब एक है। धर्म के अनुसार अलग अलग हुआ। देखिए, जितना धर्म है, धर्म का हिसाब से मेडिकल शास्त्र जो मेडिकल अलग अलग किताब है क्या? ज्योग्राफी अलग अलग है क्या? नहीं है। तो हमारा कहने का है, आदमी का बना हुआ धर्म और मजहब और उसका जो गाइडलाइन वो ठीक नहीं है। देखिए, हर वस्तु कर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, निचार कर रहा है। नेचर हमको क्या बताता है, क्या सिखाता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है, इसको फॉलोअप करना चाहिए। तो मेडिसिन करने के लिए ओनली फॉर हेल्थ और माइंड, माइंड और हेल्थ एक ही है, शरीर और मन एक ही चीज है। मिल्क, दूध और मक्खन, घी, दही सब एक ही है, एक ही चीज से बना हुआ है, वो मिला हुआ है। हम लोग मंथन करके अलग अलग करते हैं। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए दिन भर कर्म करो, रात को सोने से पहले नींद हमारा गॉड गिफ्टेड है, उसके लिए हमको बिस्तर में बैठ के दिन भर टारगेट ठीक कर लेना चाहिए कि हमको जप करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और नींद में, निद्रा में और ड्रीम में, सपनों में हमको जप तप करना है। जब तक तो हमारा टारगेट ठीक नहीं होगा, खुद मन को हम मन से नहीं खींचेंगे और टारगेट नहीं डालेंगे तो मन विदाउट टारगेट हो जाता है। तो मन को टारगेट फुल करना चाहिए, उसी टारगेट से, दिशा से हम लोग मन को स्थिर करके कोई भी जगह में बिस्तर में बैठने से सबसे अच्छा है। बिस्तर में बैठ के आँख बंद करके, ये आज्ञा चक्र है, द्विदल है, द्विदल में आँख बंद करके शरीर का सारे मन शक्ति एनर्जी, ये द्विदल, ये आज्ञा चक्र है, इसमें लाना चाहिए और देखना चाहिए। आँख बंद है, हम देख रहे हैं, क्या देखेंगे? बहुत बड़ा एक सी है, सागर है, समुद्र है, और राजहंस उठते जा रहा है, और फ्लावर जो पद्मफूल बोलता है, क्या बोलता है उसको हिंदी में? हाँ, हाँ, कमल, कमल वो दिखाई देगा। और आकाश का जितना तारे वो घूमता है, ये दृश्य द्विदल में दिखाई देगा। हम लोग जप करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे टारगेट करके, और जब तक नींद नहीं आता है, नींद हमको बिस्तर में धक्का मार के सुलाएगा तब हम सोएंगे। जब तक नींद हमको जबरदस्ती नहीं करेगा सोने के लिए, तब तक बैठ के जब तप करना चाहिए। जैसे बैठने के लिए सबको अलग अलग शरीर बदन का जैसा सिचुएशन होगा, परिस्थिति होगा, इसी हिसाब से बैठ सकता है। ऐसा नहीं है पद्मासन करके बैठने पड़ेगा, जैसे बैठने से बैठना चाहिए और जब तप करना चाहिए, और राम नाम जप करिए, जिसको दीक्षा मिलेगा वही जप करना चाहिए, राम नाम भी जप करना चाहिए, करके देखिए क्या होता है। एकदम साइंटिफिक है, विदाउट साउंड, जिस साउंड एनर्जी है वो राम और नारायण नाम, एक ही राम नाम करने से सबको हम पकड़ लिया।
सबका साथ जोड़ लिया। हमारा जो पूर्व पुरुष मर गया, जो आने वाला है मेरा वंश में सब आने वाला है, जन्म लेगा हमारा जेनरेशन, सबको हम एक साथ में सारे नक्षत्र तो, आसमान पंचभूत खिति अब तेज मनुष्य बोम पानी हवा जल सूरज सब हमारा मुट्ठी में आ जाएगा और सबको हम राम राम खिलाएंगे, ध्वनि से उसको खिलाएंगे। वो ध्वनि मांगता है और कुछ खाना नहीं मांगता है, तो हमको भी वो ध्वनि चाहिए। अगर जब तप करेंगे तो जागतिक जो खाना है वो हमको ज़्यादा खाने नहीं पड़ेगा, थोड़ा खाने से हो जाएगा। ऐसा टाइम आएगा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब से आप खाना आ जाएगा। एक दफे तो हम 3 दिन नहीं खाना खाया, हम देखना चाहते थे हमारा क्या होता है। हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम देखते हैं जो हमारा आँख बंद है, लेकिन हम देखते हैं हमारा मुँह गोबर में हमारा खाना जा रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, उसको धक्का मार के जा रहा है, हमको मालूम हो रहा है जी। तो ठीका तो उसका है, हम नहीं खाएंगे वो जबरदस्ती खिलाएगा। हॉस्पिटल में देखिए ना, कोई हंगर स्ट्राइक करता है, पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, वो नल से खाना अंदर डाल देता है। तो प्रकृति भी हमारा लिए खाना बना के बैठा रहेगा। जो मेरा बच्चा जब तब कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उठता नहीं है, वो आपसे आप निचार से खाना आ जाएगा जी। ये करके तो देखे। बिल्कुल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट निचार तो हमारा दास बन के बैठा है जी। अल्लाह खुदा गॉड ने हमारा दास बन के बैठा है, हमको अच्छा बनना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हम अच्छा बनने के लिए उसका प्रयास है, और हम लोग को प्रयास नहीं है। हमको प्रयास है हमको बुरा बनने का, दूसरा को नुकसान करने का, दूसरा का बर्बादी करने का, ये तो होना नहीं चाहिए। इस सबका पीछे एक कारण है, हम बाद में बताएंगे। बिल्कुल प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए तब हो जाती हैं जब हमें ज्ञान नहीं होता, और आपसे बहुत कुछ ज्ञानवर्धन हमें सीखने को मिल रहा है। ज्ञानवर्धक बातें हमें समझ में आ रही हैं, मेडिटेशन को लेकर चीज़ें समझ में आ रही हैं। प्रेसिडेंट, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और जब मैं बालक ब्रह्मचारी जी के बारे में पढ़ रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक शब्द नज़र आया जो कि था तत्व सिद्धांत। तो वहाँ पर मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे लगता है कि आपसे मुझे ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में पाऊँगी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि तत्व सिद्धांत क्या है। हाँ, तत्व है एक साउंड एनर्जी। अच्छा, उसके बाद उसी से हमको ज्ञान मिलता है, वे मिलता है, रास्ता मिलता है। ज्ञान अगर नहीं है तो हम टारगेट कैसे करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। हाँ, अभी जो हम दिल्ली आया तो हमारा टारगेट था, उससे पहले हमारा ज्ञान था जो हमको दिल्ली जाना है, ये कर्म करना है, ये सब सब मिलना है, आगे प्रचार करना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पास जाना है। विदाउट टारगेट तत्व नहीं हो सकता है। तत्व के लिए आपको टारगेट होना चाहिए, जो हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो विवेक चैतन्य देते हैं, वो दास बन के जो खुद अल्लाह है, वो तो विवेक बन के हर इंसान का अंदर बैठा है। वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही आसमान है, वही नेचर है, वही अल्लाह है। तो अलग से मंदिर मस्जिद गिरजा में जाने की क्या जरूरत है। हमारा शरीर जिंदा मंदिर है, हमारा शरीर जिंदा गिरजा है, हमारा शरीर जिंदा मस्जिद है। अलग से मस्जिद मंदिर गिरजा बना के पैसा बर्बाद करके दुनिया को फाकी देखे, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, चिकित्सा का स्थान नहीं है, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। शरीर सबसे बड़ा जिंदा मंदिर, जिंदा गिरजा, जिंदा मस्जिद है। अजान जो देते हैं अल्लाह अकबर करते हैं, कहाँ करते हैं भाई, कहाँ से निकलता है वो, शरीर से, ये जिंदा मस्जिद से। तो अलग से ईटा पत्थर का मस्जिद बनाने का हमको क्या जरूरत है, मंदिर बनाने का क्या जरूरत है, गिरजा बनाने का क्या जरूरत है। आप यूरोप कंट्री में जाइए, हम इटली में देखा है, एक एक गिरजा हजारों लाखों करोड़ रुपया का खर्चा किया। जिस देश में खाना नहीं मिलता है, जिस धरती में अभी तक भी इंसान को, जीव को, पानी को, उद्भिद को पानी नहीं मिलता है, तो बरसात का पानी से हरियाली नहीं होता है। हमारा तो सब कुछ जरूरी चीज़ हम खुद दिमाग से और
विज्ञान से हम उपलब्धि करते हैं। तो जो पेड़ चलता नहीं है, अगर पेड़ खुद मिट्टी से उठ के हमारा पीछे भागेगा मानने के लिए, तो हमारा क्या हाल होगा? कोई सोचा है? हम तो उसका डाल काटते हैं, पत्ता काटते हैं, फल छींटते हैं, फूल छींटते हैं, तो उसका पूछता है जी हमको फल दो, हमको खाना भूख है, वो तो देने के लिए खड़ा है, बात भी नहीं करता है, लेकिन आपस में तो बात करती ही है। तो हमको सोचना चाहिए, मेरे को भूख है, मेरे को जरूरी मान सब चीज़ जरूरत है, सबको भी जरूरत है, पेड़ पौधे को भी जरूरत है, जीव जंतु का अधिकार नहीं है, वो लोग को जन्म लिया, ऊपर वाला ने अल्लाह ने सृष्टि किया, ईश्वर ने सृष्टि किया, तो उसको खाना नहीं चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए, उसके बारे में कोई इंसान नहीं सोचता है। इंसान अपने बारे में सोचते हैं, अपना कैसे मालिक बन जाएगा, हमारा सब कुछ चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इस कारण से धरती खत्म हो जाएगा, 90% इंसान को मौत आ जाएगा। आप सोचिए ना, ये जो परमाणु बोमा बनाया, हर इंडिया बोलो, पाकिस्तान बोलो, अमेरिका बोलो, रशिया बोलो, रशिया का बस सबसे बड़ा ज़्यादा परमाणु अस्त्र है, क्यों बनाया भाई, किसको मरने के लिए? अरे वो तो खुद मरेगा, नेचर हर देश का अंदर जो परमाणु है खुद उसको बर्स्ट करा देगा। पता नहीं होगा, सुबह घूम नींद से उठेगा, देखेगा सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, क्यों? खत्म करने का चीज तो मैंने बना के रखा है भाई, दूसरों को बच्चा को पॉइजन खिला के मारने के लिए पॉइजन ला के हम घर में रख दिया, तो मेरा बच्चा ही पॉइजन खा लिया। तो प्रेसिडेंट, ये तो गलत हुआ ना, इसको पाप नहीं कहेंगे? तो पाप और पुण्य की अगर बात कर लें तो पाप क्या होगा, क्योंकि अगर परमाणु की बात हम करें, परमाणु बम जो बना कर रखा है देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए बना कर रखा है कि कोई हम पर सुरक्षा अटैक ना कर दे, अगर हम पे कोई अटैक करे तो कम से कम हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए हो, तो फिर ये पाप हुआ या पुण्य हुआ? मुगल राज का बाद ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज में हम लोग हिंदू मुसलमान बुद्धिस्ट क्रिश्चियन सब तो अच्छा से जीते थे जी, कोई लड़ाई नहीं थी। जब बंटवारा हो गया, देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, पाकिस्तान और इंडिया, बस समस्या हो गया। एक्चुअल में जो परमाणु बोमा है इसका बनाने का कंपटीशन चालू हो गया, लड़ाई चालू हो गया। देखिए, एक परमाणु बोमा हम जब तब करके उसको निष्क्रिय कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, फटेगा ही नहीं। गुरु वो फॉर्मूला हमको बताया, हम लोग हर रोज करते हैं। अच्छा। हम लोग इसलिए कीर्तन कर्तन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई कांटी का परमाणु बोमा नहीं फटना चाहिए। अच्छा। और फटेगा भी नहीं। अच्छा, पर मैं आपसे प्रेसिडेंट वही सवाल पर फिर से आऊंगी कि ये पाप है या पुण्य है, क्योंकि दोनों दृष्टि से आप देखिए ना, एक दृष्टि ये है कि मेरे ऊपर कोई अटैक ना कर दे तो उसने आत्मरक्षा के लिए बना कर रखा है। आत्मरक्षा के लिए नहीं बनाया, दूसरों को मारने के लिए। अच्छा, एक्चुअल में ये चीज जरूरत क्या है? धरती में एक ही धर्म होना चाहिए, वो धर्म है प्रकृति। प्रकृति का जो नीति है पंचभूत और खिति अब तेज मृत बोम, इसका जो नीति है उसके बाहर तो कुछ नहीं है। हम तो प्रकृति को नहीं बनाया। देखिए, साइंटिस्ट परमाणु बोमा बनाया, एक मच्छर बनाने के लिए बोली तो उसको परमाणु बोमा जो बनाया, परमाणु बोमा एटम बोम, उसके मटेरियल कौन दिया? धरती ने दिया, प्रकृति ने दिया। साइंटिस्ट ने रॉ मटेरियल बनाया नहीं, रॉ मटेरियल तो नेचर ने दिया, ईश्वर ने दिया, अल्लाह ने दिया। बिल्कुल, तो उसके ऊपर हमारा मतबूरी, हमारा क्रेडिट कहाँ है? हाँ, बिल्कुल। और जो पाप पुण्य के बारे में आप बताया, पाप वही होता है हमारा अंतरात्मा, जो अल्लाह खुदा गॉड कुछ भी बोलिए, उनका नाम कोई भी नाम से उसको पुकारिए, वो है विवेक चैतन्य। हर मजहब का ये बात मालूम है, अगर विवेक का विरुद्ध, विवेक का एगेंस्ट में हम काम करेंगे, उसका बात नहीं सुनेंगे,
उत्तम पाप होता है। पाप और क्या है, वो धरती में जो कुछ है सबके लिए है, हमारा है उसका नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या जरूरत है, व्यक्ति मालिकाना क्यों होना चाहिए, आप बोलिए। ये व्यक्ति मालिकाना जब तक धरती में, ये धरती में है, तब तो ये सब धर्म भी हमारा शोषण करेगा, खत्म करेगा, पॉलिटिकल भी खत्म करेगा हमारा समाज को, और आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल नीति समाज के लिए सबसे बड़ा दूषण है, सबसे आर्थिक दूषण है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपसे मैं बहुत सहमत हूँ। और इसके साथ ही क्योंकि आप हर एक पहलू पर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, एक अलग नज़रिए से हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही साथ हम जानते हैं आप बहुत बिज़ी रहते हैं, और आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट। आपको भी धन्यवाद, आपको हार्दिक अभिनंदन जनाता हूँ, बताता हूँ, और आपको राम राम ध्वनि से स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आज हमने बहुत सारी बातें कर ली, आज हमने जाना, ब्रह्मांड के बारे में भी हमने जाना, हमने परमाणु अटैक के बारे में जाना, लेकिन अलग नज़रिए से, क्या ये पाप है या पुण्य है, हमने ये भी समझा, हमने बहुत कुछ समझा। हमने आज के इस एपिसोड में तत्व सिद्धांत के बारे में भी बात कर ली, पाप पुण्य को समझ लिया, मेडिटेशन को समझ लिया। मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स आज के समाज में हमको मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पर हमको मिल जाते हैं, और इसी उद्देश्य से आज हमने प्रेसिडेंट से यही सारी चीज़ें पूछी थी कि हमें ये क्लैरिटी मिल जाए कि मेडिटेशन करना है तो कैसे करना है, तत्व सिद्धांत क्या होता है, पाप पुण्य क्या होना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड कहीं पर विराम देने का, लेकिन आपको कहना चाहूँगी अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टीवी स्क्रीन्स पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उन डिटेल्स पर जाकर के आप बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं संतान दल से। बहुत छोटा सा इनिशिएटिव आपको लेना है कि इन नंबर्स पर कॉल करना है। 24 आवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल 24/7 आप कभी भी बात कर सकते हैं, आपकी सहायता जरूर की जाएगी, गाइडेंस आपको कर सकता है, प्रश्न कर सकता है जी, कोई प्रश्न भी आप कर सकते हैं। जैसा कि प्रेसिडेंट ने आपको अभी बताया कि कोई भी प्रश्न इस एपिसोड से रिलेटेड या इस एपिसोड में या किसी भी एपिसोड में आपको कुछ बताया गया हो उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सभी इंसान को आत्मा अपना अपना जो समस्या है हमको बता सकता है जी, हम उसको रास्ता बताएंगे। बिल्कुल, सभी रास्ता सभी इंसान का पास है, लेकिन वो देखना नहीं चाहती है, दूसरा का वो हाथ फैलाता है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, खुद का पर हाथ नहीं फैलाता है जी। प्रेसिडेंट, वक्त हो चला है इस एपिसोड को ही विराम देने का, हम आपसे इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम हाथ क्यों फैलाते हैं, आपके पास क्यों नहीं आते, या फिर खुद का चिंतन मनन क्यों नहीं करते। फिलहाल यहाँ पर विराम का वक्त हो चला है, तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आपको अगर जुड़ना है तो संतान दल से इन डिटेल्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण राम शाह, यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इसने कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 2665050657, IFSC कोड ICIC000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर 6291342066983607350, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।